अपने मन में बसा सकेंगे, इसलिए आज मैं विशेष तौर पे इनका स्वागत आप सबकी तरफ से इनके श्रृंगार का वर्णन कर रही हूं। Thank you.
बड़ा सुंदर आज आप लोगों की तरफ से कि सावन से आज पधारा है और आंगनिया चुनरी उड़ा सी दिल थाम के बैठी है। कल एक लेडी ने मुझे प्रश्न किया था, आज किसी कारण से वो आ नहीं सकी। उसने मुझे कहा, भाई ये बताइए, आप 3 दिन से शरणागति का गीत गा रहे हैं, तो हम शरणागति प्राप्त कैसे करें? हम शरणागत जिस प्रकार की नरसिंह जी ने शरणागति ली, जिस प्रकार की नामदेव जी ने, एकनाथ महाराज ने, मीरा भाई ने ली, धना भगत ने ली, वैसी हम कैसे प्राप्त करें? आप लोगों ने किसी ने प्रश्न नहीं उठा के? नहीं मन में आई हम शरणागति ले थी? नहीं आई? आई कि नहीं? अरे तो आई तो ये सोचो कि हम शरणागत भक्त के साथ रहकर के हम शरणागति नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे? पर मैंने उस भाई ने जिसने प्रश्न किया उसको छोटी सी 2 मिनट आपका ले लेती हूँ। मैंने ये कहा कि शरणागति कोई बाजार में चलने वाले फूल नहीं जो रुपए दिए और ले ली, जो कोई चीज करी और ले ली, या आपने करोड़ रुपया का दान किया और ले लिया, ये कोई चीज मांगने वाली नहीं है, ये भीतर से उठने वाली है। तो बोले भीतर से कैसे उठे? भीतर से सबके क्यों नहीं उठती है? भैया देखिए, शरणागति की अवस्था बहुत ऊंची, टोटल शरणागति स्वीकृति इधर होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये जो अवस्था, अरे बिचारे अर्जुन को भी 700 श्लोक में 18 अध्याय सुना करके लास्ट में जाकर 66वें श्लोक में कहा है सर्वधर्मान पर, पहले उनको सब नचाया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, विभूति योग, दय धमाधम सत्र योग, तक उसको माथे को रगड़ते रहे। जब तक वो माथा रगड़ रगड़ के वो पागल हो गया, जब बोला मुझे कुछ नहीं समझता, तब कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब पहले गोल गोल घूम लो आप, रोज सवेरे इधर पूजा करो, उधर पूजा करो, आज सोमवार मंदिर करो, आज मंगलवार हनुमान जी करो, आज बुधवार ये करो, गुरुवार ये करो, शुक्रवार ये करो, शनिवार वापिस हनुमान जी का नंबर आ जाता। ऐसे रोज रोज आप नए नए पंडित नए नए भगवान को पुकारते रहते हैं, बेचारे भगवान देखते हैं आखिर मेरे को कब पुकार रहा है। सब में एक ही भगवान है, लेकिन आपकी एक रटन जा है। इसके लिए संतों ने, भागवत धर्म ने एक नवदा भक्ति का स्वरूप दिया है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नवदा भक्ति किसी दिन सुनने हो तो, एक एक भक्ति पर 9 दिन कहा जा सकता है, पर शॉर्ट में कहूंगी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। पहली 3 है श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम। आप रोज सुन रहे हैं या आप श्रवण भक्ति कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, बात सुनते हैं, ये सब श्रवण है। आप पढ़ते हैं वो श्रवण है, भागवत सुनते हैं ये सब श्रवण है। तो ये 3 पहली भक्ति है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये साधन भक्ति है, मतलब करने की भक्ति है, करने की, जैसे हम कर रहे हैं। ये पहली क्या भक्ति है? करने की। दूसरी 3 भक्ति है पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये है सेवा भक्ति। जब सुनते सुनते ऐसा लगता है हमारे पास भी ठाकुर जी आए, हम भी कुछ संबंध बनाए, हम भी उनकी सेवा करें, तो कुछ अर्चन करें, तो छोटे छोटे ठाकुर जी अपने, कोई लड्डू गोपाल जी लाता है, कोई ये लाता है, तो ये आज हम अर्चन कर रहे हैं, आज हम वंदन कर रहे हैं, हम आज चरणों को दबा रहे हैं, तो क्या होता है? अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, ये 3 हो गई सेवा भक्ति। तो पहले साधन करते करते, स्मरण करते करते, नाम जप करते करते, जब भगवान की प्रीति अंदर फूटने लगती है, जब बहिरंग से अंतरंग अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, तब लगता है कि अब अर्चन भी हो गया, वंदन भी हो गया, पाद सेवन भी हो गया। तब तीसरी भक्ति आती है पराभक्ति, साधन भक्ति, सेवा भक्ति और फिर पराभक्ति, फिर भीतर से उठती है क्या? दास्यम, नहीं नहीं कुछ संबंध बांध लेते हैं, ऐसे तो देखो याद नहीं आती है, बेटा की याद आ जाओ, भूखी याद आ जाओ, आज बेटी की सगाई करी जमाई आपको लागबा लाग जाओ, आज बेटा की सगाई करी भू आपकी लागबा लाग जाओ, इतने दिन से जो साथ में थे वो नहीं लगते, लेकिन संबंध करते ही अपना लगने लग गया। तब कोई कोई सोचते हैं मैं उसका दास हूं, तो दास से संबंध हो गया, तब उसको बार बार कोई भी चीज, मालिक मालिक हे मेरे नाथ मैं आपको नहीं भूलू, हे मेरे नाथ मैं आपको नहीं भूलू, तो दास संबंध से और भीतर चला जाता है। फिर उसके बाद चलता है यार इसमें तो बड़ा दूर रहता है, मालिक उधर दास इधर, तो सखा बना लेते हैं, तो जब सखा बनाते हैं तब सोचते हैं मित्र चल यार आ जा, ऐसे करके जब सखा बना लेते हैं तो सखा की भक्ति, देखिए सुदामा ने मित्र बनाया। उसके बाद कोई भी संबंध जोड़ ले,
लेकिन लास्ट है आत्मनिवेदन। जब आत्मनिवेदन होने के बाद प्रेमा भक्ति शुरू होती है। जब आत्मनिवेदन भक्ति मतलब यहां से शरणागति का बीज। अब सब हो गया, अब क्या तू मेरा और अब क्या रह गया, अब तो कुछ रहा नहीं। मैंने सब कुछ तेरे को अर्पित किया, सब कुछ तेरे को अर्पण। जब अर्पण कर देता है, समर्पण हो जाता है, तब शरणागति का बीज उड़ जाता है। और किसी किसी आदमी को एक मिनट में भी शरणागति हो सकती, जरूरी नहीं है नौ दो भक्ति करे। क्या तो इतनी बात आ जाती शरणागति के पीछे की, ये सब मायरा रह जाता है। इसलिए आप कहें तो सुना देती हूँ कहानी, नहीं तो आगे चलती हूँ। सुना तो ठीक है, सुना देती हूँ। भक्तमाल में कथा आती है, आप कहेंगे शरणागति इजी भी होती है, इतनी कठिन भी है और इतनी इजी भी है। एक चोर था, चोरी करके आ रहा था, भक्तमाल की कथा है मेरी नहीं, चोरी करके आ रहा था तो पीछे पुलिस पकड़ने आई। अब वो चोर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। उसने देखा एक सीधे सत्संग चल रहा है और एक बड़े व्यास जी सुंदर बैठे हुए हैं, वहाँ कथा हो रही है। वो अंदर चला गया, फिर देखा पीछे बैठूंगा तो आके पकड़ लेगा, तो और आगे गया और सरकता गया, सरकता गया, सरकता गया, आगे आता गया, भीड़ के अंदर बीच में बैठ गया। और उस दिन वहां पे शरणागति की, सर्वधर्मान परित्यज, जय सब धर्मों को छोड़ के मेरे शरण आ गया, उसी की कथा चल रही थी। सुनते जा रहा है, थोड़ा पीछे देखता है, फिर आगे सुनते जा रहा है। अच्छा इतना इजी है, बोले जो मेरी शरण में आ जाता है उसके सब पाप मैं धो देता हूँ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासहि तबहि। अरे इतना सरल है, वो शरण में गए और करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते। उसको आश्चर्य हुआ कि अरे इतना सरल है, तब तो क्या बात है। फिर और थोड़ा आगे सरका, आगे सरक के वो उससे बोलने लगा, उससे कहने लगा कि व्यास जी क्या कह रहे। बोले व्यास जी कह रहे हैं अगर भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे और भगवान की शरण हो जाए तो भगवान उसके सब पाप धो देते हैं, जितने भी पाप किए हुए वो सब करके उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। उसने कहा इतना इजी है तो क्या है, मैं तो चोरी करके खा रहा हूँ, मेरे तो कोई घर में कुछ है नहीं, मैं तो चोरी करता हूँ, मेरा खाता हूँ, तो क्यों नहीं मैं ही शरण हो जाता हूँ। मैं शरण हो जाता हूँ तो मेरे खाने पीने का सब धंधा खत्म हो जाएगा, मैं टोटल उन्हीं की शरण हो जाता हूँ। फिर दो लाइन के पीछे रह गया, खसकते गए, सरकते गए, सरकते गए, दो लाइन के पीछे फिर खत्म होने लगा। बोले आज भी इस वक्त भी कलयुग में अगर कोई भीतर से अपने आप को पूर्ण रूपेण शरण कर देता है तो आज भी ठाकुर जी का वचन है कि मैं उस शरणागत भक्त की रक्षा करता हूं। ये बात सुनी तो खत्म होने के पहले ही वो चोर उठ करके वो व्यास जी के जन्म पकड़ लिया और बोले कि मेरे को मेरा आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। क्यों रोने लग गया, खूब जोर जोर से रोने लग गया, इतना भाव विभोर हो गया कि इतना सरल है तो मैं क्यों नहीं हो जा पाऊँ। पकड़ करके बैठ गया, बैठते व्यास जी को उससे दया आ गई और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बोले बेटा अगर तेरे को सतगुरु मेरा कुछ नहीं, मुझे शरण में ले लीजिए, मुझे शरण में ले लीजिए। और वो शरण में आया और उसके सिर पर आए। इतने में पीछे से पुलिस आई गई, सब खबरे हुए। बोले इसने तो चोरी करी है। बोले चोरी करी है? बोले ना मैंने नहीं करी। तुम्हें चोरी करी तो कर। बोले अभी थोड़ी देर पहले चोरी करके आया, यहाँ बैठा है चोर, तू चोर बेटा। बोले इस जन्म में तो नहीं करी गुरु जी, मैंने इस जन्म में नहीं करी, पूर्व जन्म में की होगी, इस जन्म में नहीं करी। सब बोली क्या बोल रहा है, इस जन्म में नहीं करी, पूर्व जन्म की होगी, इस जन्म में।